साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों कुछ बात करेंगे, आप लोगों के कमेंट थे, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। कुछ मलेशिया से रिलेटेड कमेंट आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी भाई मलेशिया से रिलेटेड इंक्वायरी लेना चाहें उनको ये जानकारी सही तरीके से प्रॉपर तरीके से मिल जाए। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। भाई रवि कुमार जी पूछते हैं, सर पासपोर्ट बनाने के लिए पुलिस स्टेशन में केस हो तो भाई पासपोर्ट नहीं बनेगा? मैंने पिछले वीडियो में शायद आंसर दिया भी होगा इस बात का। अगर केस जब तक खत्म नहीं हो जाता पासपोर्ट नहीं बनेगा, खत्म होने के बाद भी कोर्ट से एनओसी लेके थाने में जमा कराओगे तो आपका पासपोर्ट दोबारा इंक्वायरी के लिए जाएगा, पासपोर्ट बन पाएगा। सुमित्र बंदे एक बंदा बोलता है, सर आपकी फीस कितनी है? भाई मेरी फीस मात्र 500 रुपये है, ठीक है? उसमें 500 रुपये फीस मेरी देके कोई भी तरीके किसी भी तरह की इंक्वायरी आप मेरे से ले सकते हो, वीजा वगैरह टोटल कैटेगरी के जो भी आपके सवाल माइंड में होते हैं, या फिर एजेंट से रिलेटेड, या फिर जॉब से रिलेटेड, इमिग्रेशन, ऑफर लेटर, कंपनी वगैरह, ऑल टोटल, ठीक है भाई। विशाल पीओपी बोलते हैं, सर मलेशिया का वीडियो बनाना बंद क्यों कर दिया सर, प्लीज बताइए। भाई देखिए, मलेशिया का वीडियो बंद नहीं किया, अपना तो स्टार्टिंग में चैनल ही मलेशिया से रिलेटेड ही था। लेकिन दिक्कत ये आ जाती है कि अगर कहीं पर कोई काम बंद पड़ा है, साल भर से कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो उसके बारे में अपन क्या इंक्वायरी दें, समझ गए? क्योंकि जो इंसान मर जाता है ना, उसकी लोग बात करना छोड़ देते हैं, समझ गए बात को? एक बार करते हैं फिर मैटर क्लोज कर देते हैं। वह सेम वही कंडीशन है, अभी दोबारा से है शायद कोशिश स्टार्ट, अगर हो जाए तो बिल्कुल बनाते भी हैं वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी लोगों ने कमेंट करना छोड़ दिया, मैंने वीडियो बनाने बंद कर दिए, मेरे पास वैकेंसी तो आती नहीं है कि मैं वैकेंसी आपके पास देता रहूं, मलेशिया भेजता रहूं, ऐसा कुछ था नहीं। अभी आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं जरूर आंसर दूंगा, जैसे कोई नई अपडेट आएगी उसके बारे में बताऊंगा। आगे एक भाई बोलते हैं, संतोष कुमार जी ये बोलते हैं, सर हम आजाद वीजा में मलेशिया जाना चाहते हैं, सर पासपोर्ट हमारे पास ही रहेंगे या पासपोर्ट खो जाए तो इसके बारे में जानकारी दे। भाई देखिए, पासपोर्ट आप आजाद वीजा में जा रहे हो, पासपोर्ट आपकी जेब में है। हालांकि लेबर लॉ ये बोलता है कि कंपनी पासपोर्ट नहीं रख सकती, गलत में तो यही सिस्टम चल रहा है भाई। अब बंदे के पास पासपोर्ट होना चाहिए, लेकिन कंपनियां बेवकूफ बना के सिग्नेचर करवा के पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं, ठीक है? आजाद वीजा में पासपोर्ट आपके पास रहेगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। पासपोर्ट गुम जाए, फट जाए, खो जाए, उसका दोबारा प्रोसेस करोगे, रिप्लेसमेंट करोगे, दोबारा जो भी चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा। अगर वीजा लगा हुआ है पासपोर्ट में और फिर आपका पासपोर्ट खो जाता है तो पासपोर्ट की वैलिड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, अब वैलिड वीजा आपका होना चाहिए आपके पास में, आप दूसरा इमिग्रेशन एम्बेसी में जाके वहां दूसरा रिप्लाई कर सकते हो, पासपोर्ट आपका दूसरा बन जाता है और वही सेम वीजा उसमें स्टेमिंग हो जाती है, लेकिन इसका जो भी खर्चा लगेगा वो आपका लगेगा। आगे एक भाई बोलते हैं, विपिन बांगड़वा जी बोलते हैं, बाकी वीडियो अच्छी है लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला, पैसा कमाने के चक्कर में विदेश न जाएं, विदेश जाने की एक वजह ही होती है। भाई देखिए, मैं बता दूं, मैंने एक वीडियो डाला था कि कौन लोग विदेश न जाएं, उसी का ये कमेंट है, तो मैं बता दूं कि जरूरी बात आपकी सही है कि इंसान विदेश क्यों जाता है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। लेकिन यही बता रहा हूं कि विदेश में लोग जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, उसका एक कंडीशन होती है, मैंने बहुत सारे पॉइंट उसमें बताए थे, आपने शायद नोट नहीं किया। पैसा कमाने के चक्कर में विदेश पहुंच गए लेकिन वहां और एनवायरनमेंट है वो अपने को सूट नहीं करी, तो क्या करोगे? पैसा सबकी इच्छा होती है कमाएं, लेकिन आप पहुंच गए, आपका जी नहीं लगा, आप काम नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, सही, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पैसा कमाने के लिए विदेश न जाएं, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, वो अगर सब टॉपिक एक साथ आप करोगे तो आप सेटल हो जाओगे। एक मन में घर में बैठे हो, आपके ऊपर प्रेशर है, विदेश चलते हैं पैसा कमाने के लिए, वहां आप सेट नहीं हो पाओगे इतना जल्दी। तो बहुत सारे मैंने उसमें और भी टॉपिक बताए, वो वीडियो पूरा देखते हो तो समझ में आता है ये बात, ऐसी समझ में नहीं आएगी। अभी रखरा बोलते हैं, सर मैं 2015 में आउट पास गया था लेकिन अभी वापस जाना चाहता हूं। भाई आउट पास का मतलब ये होता है 5 साल का बैन, 5 साल, 2020 तक आप कहीं नहीं जा सकते, 2021 में शुरुआत करें जिस कंट्री में आप ब्लैक लिस्ट हुए हो, आउट पास लगा के आए हो, या फिर आप अगर कंडीशन आप गलत में, अलग कंडीशन है, आउट पास लग जाता है, विजिट में आए हो, आउट पास लग जाता है तो आप परमिट में जा सकते हो, परमिट में आपकी दिक्कत हो जाती है तो आप विजिट में, इस पे अलग से टॉपिक बनाऊंगा मैं। मलेशिया की बात करें, आउट पास ज्यादा मलेशिया का ही बनते हैं भाई, 5 साल बैन है, 5 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आर सिद्दकी बोलते हैं, सर रशिया में मुसलमान जा सकते हैं क्या? वीजा पर लेबर का कैसा काम होता होगा, तारा होगा? ECNR पासपोर्ट दोनों चल सकते हैं क्या? भाई देखिए, इसमें बात रशिया की नहीं है, कोई भी कंट्री जाओ लेबर का काम कोई डिफरेंट नहीं होता। कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो कोई कंट्री जाओ, काम सेम मिलेगा, ड्यूटी सेम मिलेगी, 8-9 घंटे सब कंट्री में ड्यूटी होती है, ठीक है? काम सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ रहन सहन का डिफरेंस हो सकता है।
ठीक है, अलग अलग कंट्रियों के रहन सहन अलग होते हैं, जलवायु का फर्क पड़ जाता है, कहीं गर्मी कहीं ठंडी कहीं नॉर्मल मौसम, ऐसा होता है। बाकी हिंदू मुस्लिम का कोई इश्यू नहीं है, कोई भी कंट्री आपको ये नहीं कहती कि हमारी कंट्री में मोमडन नहीं आ सकते, हमारी कंट्री में हिंदू नहीं आ सकते। आज तक ऐसी कोई कंट्री बनी नहीं है, ऐसे किसी कंट्री ने नियम फॉलो भी नहीं किया, क्योंकि जिस तरह ये अगर करने लग जाए तो फिर वो तो सिस्टम ही उनका क्लोज हो जाएगा कंट्री का, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, आप कहीं पर भी जा सकते हैं, काम सेम होता है, दूसरी कंट्री में आप गए तो सेम टू सेम वही पोजिशन आपको मिलेगी। तो साथियों ये थे मलेशिया से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो मैंने आंसर देने की कोशिश की। आपके मलेशिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर दूंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही नई वैकेंसी में डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।